हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, हमारा एक नया चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं बहुत सारे गाने अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैंने एक नया चैनल बना दिया है जो स्पेशल डीजे सॉन्ग के लिए है, जो जिसमें जितने भी नए गाने रिलीज हो रहे हैं उन सभी गानों का आपको मिक्स सॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आई होप दोस्तों उन सभी गाने, जितने भी गाने बनाए गए हैं वो गाने आपको अच्छे लगेंगे। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्रेंड्स, वहाँ से जाइए, विजिट कीजिए और उन गानों को सुनिए। और फ्रेंड्स, उन गाने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने अपलोड कर दिए गए हैं। आई होप दोस्तों वो गाने अच्छे लगेंगे। अच्छे लगेंगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और जितने भी लेटेस्ट नए गाने अब आएंगे उसमें अब अपलोड होंगे। उस चैनल का नाम है डीजे अक्षय मिक्स एंड रिमिक्स। साथ ही फ्रेंड्स, आज आप सबों को बीच आएँ तो इस यमा का जो है फ्रेंड्स पियानो कीबोर्ड, इसमें कुछ गानों को आपको समझ रखेंगे इसमें किस प्रकार का आवाज़ आता है, चलिए सुनते हैं। इसमें फ्रेंड्स यमा में एक चीज़ मैंने देखा कि इसमें जो आप नागपुरी सॉन्ग जो बजाते हैं वो नागपुरी सॉन्ग अधिकतर केसियो के जो पियानो होते हैं वो उसी में अधिकतर शूट करते हैं। इसमें ऐसे इसमें भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको थोड़ा सा आपको बजा कर दिखाते हैं। स्कूल के टाइम पे तो इस प्रकार इसमें जो नागपुरी के सॉन्ग हैं इस प्रकार बजते हैं। ऐसे इसके भी काफ़ी मेलोडी आते हैं, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं जैसे इस प्रकार के पियानो म्यूजिक बजते हैं। और हिंदी सॉन्ग में देखेंगे बाद। फ्रेंड्स, और एक गाना एक प्ले करते हैं।